हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ज़ीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एफएनडो सेगमेंट एनेबल करना होगा। अगर आपका एफएनडो सेगमेंट बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एफएनडो सेगमेंट एनेबल किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़ीरोधा एप्लीकेशन के थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एफएनडो एक्टिवेट करना होगा। तो वो एफएनडो आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो किसी भी ऑप्शन को अगर आप खरीदने जा रहे हैं, चाहे बाय करें या फिर सेल, अगर हम लोग स्वाइप टू बाय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आता है, NFO इज डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट, यानी कि हमारा जो एफएनडो का सेगमेंट है वो एनेबल नहीं है। तो उसको एनेबल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन मिल रहा है, कंसोल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कंसोल वाले पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे सामने यहाँ पर सारे सेगमेंट खुल करके आ गए हुए हैं। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को एनेबल करना है तो यहाँ से आप एनेबल करके बाकी का आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ तक आप कैसे पहुँच पाएंगे। अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में सिलेक्ट करके नहीं जाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करिए। चलिए मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो पर ही क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अपने कंसोल वाले पेज पर आ गए हैं। ज़ीरोधा का कंसोल ऐप है, अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सर्च करके आ सकते हैं, चाहे आप मोबाइल में कर रहे हो, चाहे डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, किसी में भी आप कर रहे हो, इस तरह से कंसोल वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद माई अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरो का साइन मिलेगा, इस एरो के साइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर सेगमेंट वाले सिलेक्शन कर लेना है। सेगमेंट को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं नीचे की तरफ आपको आ जाना है और यहाँ पर फिर से वही पेज आपके सामने खुल करके आ गया है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इसको एनेबल करना है। तो एनेबल करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एनेबल, और यहाँ पर इसको भी हम लोग एनेबल करना चाहते हैं, NSE और BSE दोनों को। तो मैंने यहाँ पर एनेबल कर लिया, ये दोनों बाय डिफॉल्ट हमने पहले से ही एनेबल करके रखा हुआ था जब हम लोग अकाउंट एक्टिवेट कर रहे थे। तो अकाउंट बनाते समय हम लोगों को ये ऑप्शन दे रहा था एक्टिवेट करने का, लेकिन उस टाइम हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं किया था। अभी हम लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एनेबल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने एनेबल करके रखा हुआ है तो हो सकता है ये पहले से ही एनेबल हो, अगर आपके एनेबल नहीं है तो इस तरह से आपको एनेबल कर लेना है। इसके बाद आपको आगे का क्या प्रोसेस करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एक्टिवेट करना क्या है, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन और BSE फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। अब आपको यहाँ पर ग्रॉस इनकम सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी कितनी इनकम है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि आपकी कितनी इनकम है, तो मैं यहाँ पर बिलो 1 लाख कर दे रहा हूँ। बिलो 1 लाख कर लिया, अब आपको यहाँ पर किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांग रही है, इनकम प्रूफ के रूप में आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप लास्ट अपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो कि PDF के फॉर्म में होगा। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास लास्ट सैलरी स्लिप है, अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होगा, तो आप यहाँ पर सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ITR फाइल किया हुआ है तो आप यहाँ पर ITR फाइल को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 है आपके पास तो फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं अपने डीमेट होल्डिंग को ही मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग को ही मैं सिलेक्ट करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर चेकबॉक्स पर चेक कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर होल्डिंग में नहीं है, स्टेटमेंट कोई नहीं है, आपने होल्डिंग करके नहीं रखा हुआ है कोई भी अमाउंट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम प्रूफ को सिलेक्ट कर लेंगे और कोई भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके और उसको PDF के फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड कैसे करेंगे, चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा चूज करने का। आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर कर रहे हैं, लैपटॉप पर कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको फाइल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर फाइल अपलोड कर लेना है। इसके बाद अगर आपका फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको यहां पर पासवर्ड इंटर कर लेना है। अगर आपका फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो सिंपली आपको यहां पर खाली रहने देना है, इसको यहां पर कोई भी पासवर्ड में आपको इंटर नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आपकी जो फाइल है वो 5 MB की होनी चाहिए, 5 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सपोर्टेड फाइल होना चाहिए PDF के फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको PDF ही अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या करने वाला हूँ, यूज माई होल्डिंग्स स्टेटमेंट को ही
यहाँ पर इनकम प्रूफ के रूप में अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस चेकबॉक्स को चेक करके आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना है। आप यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं ओटीपी ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर। अगर आपने यहाँ पर डीमेट अकाउंट जब ओपन कर रहे थे तब आपके ईमेल आईडी पर जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ था उस ईमेल आईडी पर ओटीपी लेना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर, तो मोबाइल नंबर मेरे पास अभी सामने में है तो सिंपली मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को ही सिलेक्ट रहने दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया मेरे सामने ओटीपी आ चुका है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ओटीपी इंटर कर लेता हूँ 5268। यहाँ पर ओटीपी इंटर कर लेने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है आपको 5 से 10 सेकेंड। अब आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो प्रोसेसिंग हो गया है कंप्लीट, योर स्टेटमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, यानी कि सबमिट हो गया है। तो आपकी जो मॉडिफिकेशन है 24 आवर के अंदर आपका ये जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। तो अभी यहां पर फिर से डिसेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद ये भी एनेबल आपको दिखाई देने लग जाएगा यहां पर, और आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर अपडेट कर दिया है, यहां पर मैंने डाल दिया है, अगर ये अकाउंट जो है वो 24 आवर के अंदर एक्टिवेट होता है या कितने टाइम में एक्टिवेट होता है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।